yourself. My name is Gayatri Chokse, class teacher of second. Subject English grammar. I teach you. Topic numbers. Numbers. Numbers मतलब वचन. Numbers मतलब वचन. Singular number और plural number. Singular number मतलब होता है एक, एक वचन. और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, मतलब बहुत सारे, मोर. सिंगुलर नंबर एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल. एप्पल कितने एप्पल है बच्चों? वन. अब जब हम प्लूरल पे जाएंगे तो ए डबल पी एल ई एस एप्पल. कितने एप्पल है? बहुत सारे. तो मोर एप्पल्स, क्या बोलेंगे हम? मोर एप्पल्स. बॉल, बी ए डबल एल बॉल. वन बॉल, कितनी बॉल है? वन, मतलब सिंगुलर. और बी ए डबल एस बॉल्स, कितनी बॉल्स है? बहुत सारी, मोर बॉल्स. तो ये क्या हो गया? प्लूरल. फ्लावर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर. वन फ्लावर मतलब सिंगुलर नंबर. और एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस फ्लावर्स मतलब मोर फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स. ट्री, टी आर डबल ई ट्री. ट्री कितनी ट्री है बच्चों? वन. ये सिंगुलर नंबर है. कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर, वन ट्री. टी आर डबल ई एस ट्रीज. कितनी ट्री है? मोर ट्रीज, बहुत सारी ट्रीज. कप, सी यू पी कप. वन कप, तो इसको सिंगुलर नंबर में वन पर्सन मतलब वन नंबर आता है, एक वचन. सी यू पी एस कप्स मतलब बहुत सारे कप, मोर कप्स. सिक्स, बी डबल ओ के बुक. वन बुक है, सिंगुलर नंबर है तो एक बुक. एक के लिए हम सिंगुलर नंबर यूज करते हैं, वन बुक, बुक. अब बी डबल ओ के एस बुक्स, मोर बुक्स. कितनी बुक्स है? बहुत सारी. बच्चों सिंगुलर मतलब होता है एक, जैसे वन एप्पल है तो एक. और प्लूरल मतलब होता है बहुत सारे, बहुवचन, मोर, मतलब बहुत सारे एप्पल्स बने, प्लूरल हुआ. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर लेटेस्ट अपडेट. प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.